तो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आपसे को पता है कि हम लोग छठे क्लास का MCQ सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम लोग अंतिम अध्याय के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। लोग इससे पहले बहुत सारे वीडियो आ चुका है जिसमें पूरे चैप्टर को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चला है ना। अगर आप थ्योरी क्लास अगर देखना चाहते होंगे छठे क्लास का, है ना, तो उसका वीडियो एक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, सेपरेट वीडियो है, प्लेलिस्ट में बन गया है इसी चैनल पर। आप चाहेंगे तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि बीच में कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था जिसके कारण वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया था, है ना। जो पहले का रिकॉर्डेड वीडियो था उसी को ही मैं एक एक करके डाल रहा था, तो कोशिश करूँगा आगे से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए। इसी तरह सातवें क्लास का MCQ आएगा, 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास, हर एक क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और बहुत जल्द हम लोग ना घटना चक्र शुरू करने वाले हैं। लोग घटना चक्र में पूर्व अवलोकन करके आता है एक बुक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है, उसका ज्योग्राफी सेशन बहुत तेज़ी से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सभी बच्चे घटना चक्र के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे तो ध्यान सुनिएगा। किसी भी कॉम्पिटिशन का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पहले घटना चक्र का क्वेश्चन को बनाइएगा ना, तो उससे क्या पता चलता है कि चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत क्लियर रूप से। जब उसको मैं पढ़ाऊंगा ना तो आप खुद देखिएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूरी दुनिया में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है तो मंसीरम में होता है। कहाँ होता है? मंसीरम में। पहले होता था चेरापूंजी में। पहले कहाँ होता था? चेरापूंजी में। दोनों जगह मेघालय में। कहाँ है? दोनों जगह मेघालय में, ठीक है। तो पहले होता था चेरापूंजी में, लेकिन अभी अभी जो है कहाँ होता है? मानसीरम में। दोनों जगह ही मेघालय में है, दोनों चेरापूंजी और मानसीरम दोनों आसी पास में जगह है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश अगर देखा जाएगा तो कहाँ होता है? तो याद रखिएगा मानसीरम में होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में कृषि किस प्रकार निर्भर करती है? तो कृषि जो होता है किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो कृषि जो होता है हम लोग को बारिश पर निर्भर करती है, इसीलिए इसको मानसूनी खेती भी कहा जाता है। मानसून में तो होता है बारिश, तो भारतीय कृषि को मानसूनी कृषि भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीन नंबर, तो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ, हिम मतलब होता है बर्फ, जाहिर सी बात है जब हिम वर्ड आ गया तो ये पाएंगे हिमालयन क्षेत्र में। कहाँ पाया जाएगा? हिमालयन क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएं चलती है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम, अब पहली तो सबसे पहली बात कि दक्षिण पश्चिम एरिया देखा जाए किधर कह रहा है, तो ये हो गया हम लोगों का ऊपर में नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। अब कह रहा है दक्षिण पश्चिम यानी इस साइड में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान नमी से भरी हवा कहाँ चलती है ना? तो भूमि से स्थल की ओर चलता है, या समुद्र से स्थल की ओर चलता है, या पठार से मैदानी तक चलता है, या मैदानों से पठारों तक चलता है? तो ये नमी जो ठंडी ठंडी हवा है उस समय चलती है, वो समुद्र से स्थल की ओर चलता है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगले चलते हैं पाँच नंबर, गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो गर्म एवं शुष्क हवा जो चलता है उसको लू कहते हैं, ठीक है। ये उत्तर भारत के साइड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है उसको बोलते हैं लू, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक काल बैसाखी हवा आता है, वो चलता है पश्चिम बंगाल में, याद रखना। पश्चिम बंगाल में जो हवा चलता है गर्म गर्म हवा, उसको काल बैसाखी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, किसी स्थान की जलवायु उसके द्वारा प्रभावित होती है? तो किसी स्थान की जलवायु उसके द्वारा प्रभावित होती है, स्थान या ऊंचाई या समुद्र से दूरी या क्या प्रभावित होती है? तो याद रखना है ना, ये सारी चीज़ें उस पर प्रभावित होती है, मतलब करेगा कि कोई भी जगह है उसे जलवायु किन कारणों से प्रभावित करेगी, तो वो किस स्थान पर है इस पर डिपेंड करता है। ऊंचाई कितना है उससे डिपेंड करता है उधर की जलवायु कैसी होगी, ठीक है। समुद्र से दूरी कितना है ये भी डिपेंड करता है कि जलवायु कैसा होगा। जो चीज़ें, जो जगह समुद्र से जितना दूर होगा उसका जलवायु उतना ही अलग होगा, समुद्र के नज़दीक रहेगा तो जलवायु आपका क्या रहेगा, सामान्य बना रहेगा, ठीक है। तो ये जलवायु के लिए किसी स्थान पर क्या क्या चीज़ें जरूरत होना चाहिए, तो स्थान भी जरूरी होना चाहिए कि किस जगह पर है। अच्छा ना, गर्म इलाका है तो वहाँ ठंडा तो पड़ेगा नहीं, ऊंचाई भी जरूरत होता है कि जितना ऊपर जाइएगा उतना ठंडा ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन लिखा है, घास और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब बिना किसी को रोपे हुए घास निकल गए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे जो अपने आप से निकल रहे हैं, और क्या बोलेंगे उसको, है ना। आठ नंबर क्वेश्चन लिखा है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम निम्न कौन से राज्य में? जस्ट ऊपर बताया हूँ कि कौन सी राज्य में मानसीराम, तैयारी मेघालय में, ठीक है। मानसीराम दे, चेरापूंजी दे, ये सब मेघालय में है, ठीक है। हर साल वन्य जीव सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह अगर पूछ रहा है तो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए कि वन्य जीव सप्ताह अगर देखा जाएगा तो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में, ठीक है ना। वन्य जीव सप्ताह अगर पूछ रहा है तो कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दस नंबर, देश के शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देश के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का, जो एरिया जो शुष्क है वहाँ कैसी वनस्पति पाई जाएगी? तो याद रखिए जो एरिया शुष्क है, यानी शुष्क मतलब कि वो मरुस्थलीय एरिया है, तो वहाँ वन पाया जाएगा कटीली झाड़ियाँ। क्या पाया जाएगा? कटीली झाड़ियाँ पाया जाएगा, ठीक है।
जैसे कि भारत के राजस्थान वगैरह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से हमारे राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये देखिएगा बाघ हो जाएगा, ठीक है। और बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा बिहार का राजकीय पशु, ठीक है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, राजकीय पशु बिहार का कौन सा है आप लोग थोड़ा बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, असम के जंगलों में किस प्रकार का जानवर पाया जाता है? तो असम के जंगलों में अगर देखा जाएगा तो एक सिंगुलर गेंडा है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, और हाथी वगैरह भी पाया जाता है। तो ये दोनों के लिए असम का जंगल जो है फेमस है। असम के जो वन अभयारण्य है उसका क्या नाम है, थोड़ा कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन सा नाम है, ठीक है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? देखो बारिश जो होता है ना दो कारणों से होता है, एक तो बारिश आता है उसको बोलते हैं मानसून का आवागमन, और बारिश जब लौटता है तो उसको बोलते हैं लौटता मानसून, और तीसरा एक बारिश होता है ना तीसरी बारिश बोलते हैं जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। तो तीन कारणों से भारत में बारिश होती है। तो यहाँ कारण लौटते मानसून से कहाँ बारिश होता है, तो लौटते मानसून से याद रखना तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, गुजरात में गिर के जंगल में किस प्रकार का जानवर पाया जाता है? तो गुजरात जो है गुजरात का जगह है गिर, है ना, गुजरात के गिर पहाड़ी भी है, वहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है? तो याद रखिए एशियाई शेर पाया जाता है। कौन सा? एशियाई शेर पाया जाता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, भारत में गर्म और शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो गर्म और शुष्क हवा जो चलता है ऊपर हम लोग देख लो लू कहते लो, ठीक है, और वही पश्चिम बंगाल में जो चलता है उसको काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है 16 नंबर कि कई वर्षों में औसत मौसम की स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब सिंपल बात है, देखो कई वर्षों का मतलब समझो कि लगभग 30 वर्ष, ठीक है, लगभग 30 वर्षों तक एक ही तरह का मौसम रहेगा या मौसम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, तब उसको हम लोग जलवायु कहने लगेंगे, क्या कहेंगे लोग? जलवायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? अब यहाँ पशु था ऊपर, अब पक्षी आ गया, तो मोर हो गया पक्षी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय तो ही गया, अब बताइए बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी आप लोग कमेंट करके बताइए, और बिहार का राजकीय मैं जानवर भी पूछा था, अगर आप सभी को पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो होता है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जो कि मोसिन से बना हुआ मानसून, ठीक है। अगला चलेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ, हमारा राष्ट्रीय पशु तो बाघ ये बता चुका ऊपर रिपीट करके, पक्षी तो मोर हो गया इसको भी बता चुका। अगला, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह मनाया जाता है, इसको भी बता दिए लो। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीरम में। ये क्वेश्चन लग रहा है कि रिपीटेड हो गया, ठीक है। हमारे देश में अधिकांश किस भाग में वन पाए जाते हैं? तो यानी जंगल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जो विषुवतीय क्षेत्र होगा उष्णकटिबंधीय, जिसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावान क्षेत्र। यहाँ इस एरिया में जंगल ज़्यादा पाया जाता है, कारण क्या है? बारिश ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जंगल भी ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी लिखा है लेकिन बी नहीं होगा, ठीक है, ए होगा। दिसंबर से फरवरी तक किस प्रकार का मौसम होता है? अगर दिसंबर से अगर फरवरी तक देखा जाएगा तो हम लोग के एरिया में कौन सा मौसम रहता है? तो उसमें सर्दी रहता है, ठंडा का मौसम रहता है, भयानक ठंडा रहता है, ठीक है। अगला चलेंगे, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाया जाता है? तो जंगली अगर बकरी देखा जाएगा है ना, भारत में जंगली बकरी तो हिमालयन क्षेत्र ऊपर देखे लो, जंगली बकरी या हेम तेंदुआ ये सब कहाँ पाया जाता है? लो हिमालयन क्षेत्र में। प्रवासी पक्षी हमारे देश में निम्न मौसम में आते हैं, तो प्रवासी पक्षी कब आते हैं? तो शीत ऋतु ठंडे के दिन में प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ उड़ के आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ उतना भयानक ठंडा नहीं पड़ता है ना। मौसम के कौन से तत्व होते हैं? तो तापमान, सौ विकिरण, वर्षा, ये सारी चीज़ मौसम के ही तत्व होते हैं, ठीक है, याद रखिए उपयुक्त मुझसे सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो मोटे तौर पर भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो होता है ना, भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु, याद रखिए भारत की जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो मतलब बारिश यहाँ लगभग ज़्यादा होता है। देश में शुष्क भागों में पाए जाने वाले वनस्पतियों का प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो ये सब कीकर, खैर, बबूल, ये सब कौन से एरिया में पाया जाता है? शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, यानी मरुस्थलीय एरिया में पाया जाता है, मरुस्थलीय एरिया में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न प्रजाति शंकुधार नहीं है, तो कौन सी प्रजाति जो है शंकुधार नहीं है? तो याद रखिएगा सुंदरी जो होता है, ये सुंदरी पौधा जो होता है ये मैग्रो वन में पाया जाता है ना। मैग्रो वन किसको कहते हैं? जो सुंदर वन में पाया जाता है, ठीक है। सुंदर वन में पाए जाने वाले पौधे को सुंदरी कहते हैं, इसको मैग्रो वन भी कहा जाता है, और ये डेल्टाई क्षेत्र होता है जो कि पश्चिम बंगाल वगैरह क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। भारत में जंगली गद्धे का प्राकृतिक निवास कहाँ आया था? जंगली गद्धा पूछे या एशियाई शेर पूछे, ये दोनों आ जाएगा कच्छ के रण में, गुजरात वगैरह एरिया में, ठीक है ना, गुजरात में आ जाएगा, ठीक है। निम्न स्थान पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो निम्न स्थान पर कहाँ ठंड पड़ेगी? ना ट्रास में, बीकानेर में, जैसलमेर में। तो बीकानेर और जैसलमेर ये तो दूर राजस्थान का, ये तो गर्मी भयानक पड़ेगा, ठीक है। मुंबई में मौसम मतलब एक समान रहता है समुद्र किनारे होने के कारण, ठीक है। तो ठंडा कहाँ पड़ेगा? ट्रास में पड़ेगा, द्रास में। द्रास कहाँ है? तो लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है।
निम्न वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। निम्न वन खारे पानी में कौन सा वन है जो खारे पानी में जिंदा रह सकते हैं? तो पर्वतीय वन होगा, सदाबहार वन होगा, मैग्रोव वन हो जाएगा या मानसूनी वन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग का मैग्रोव वन। कौन सा हो जाएगा? मैग्रोव जो होता है वो खारे पानी में भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? देखो दिन भर अगर बदल गया तो उसको बोलेंगे मौसम। सुनते नहीं वो बोलता है मौसम की तरफ बदलना जाओगे, ठीक है, गाना है कि नहीं है? तो जो दिन भर में बदल जाए उसको बोलेंगे मौसम, और जो 30 सालों में भी नहीं बदले उसको बोलेंगे जलवायु। ठीक है, ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 6th क्लास का चल रहा था। 6th क्लास का हम लोग को हो गया कंप्लीट। कितना हो गया भैया? क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएगा 7th क्लास का, ठीक है, जो कि NCERT और SCERT दोनों कंबाइंड है ना, दोनों कंबाइंड चलेगा। MCQ क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में आ चुके हैं, ठीक है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि घटना चक्र का अब आएगा ज्योग्राफी, ठीक है, घटना चक्र का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घटना चक्र का ज्योग्राफी। जो भी बच्चे किसी भी क्लास में हो, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो घटना चक्र का जब पढ़िएगा ना, अब ये बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, जान ही के समझ गए होंगे कि कितना ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार क्लास को देखिएगा, ठीक है, उसका जब मैं सेशन लेके आऊँगा उसमें थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, थ्योरी पढ़ाऊँगा, और उसी थ्योरी क्लास के चैप्टर पढ़ाने के बाद MCQ क्वेश्चन कराऊँगा। उसके बाद आप जब आप देखिएगा उसका MCQ क्वेश्चन, और तो नीचे लिखा रहेगा कि कौन से एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो आपको खुद देख कर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त क्लास आने वाला है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। और इसी के साथ यही भी वीडियो करते हैं अंत, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।